You guys can get this palette in just for 90 rupees. Just look at this dress. इसका कलर कितना प्यारा है. सैफायर की लग्जरी कलेक्शन तो बहुत कमाल की है. और इनके हर ड्रेस के ऊपर बहुत ही मिनिमल और डेलिकेट सी एम्ब्रॉयडरी हुई है. और यहाँ मैं कुछ ग्लिटर्स टेस्ट कर रही थी. एक दो ग्लिटर्स लेने थे मैंने. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो दिस वीडियो इज़ अ काइंड ऑफ शॉपिंग व्लॉग. और यहाँ जो है ना, हम लालपुर गैलरिया जा रहे थे. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. इफ़ यू गाइस लिव्ड इन फैसलाबाद तो आपको लालपुर गैलरिया का तो ज़रूर पता होगा और आप लोग यहाँ ज़रूर आए होंगे. फिर यहाँ पहुँचते ही ना, सबसे पहले जो मैंने स्टॉल विज़िट किया था वो था सेंट्स एंड स्टोरीज़ का. आपको पता है सेंट्स एंड स्टोरीज़ की जो है ना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई है. और यस, इनकी फ्रेग्रेंसेस अच्छी हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा है ना कि लास्टिंग पावर बहुत ज़्यादा है, बस मुझे ऐसा परफ्यूम चाहिए था जिसकी लास्टिंग पावर अच्छी. और इसका जो मैरी मी है ना, वो बिल्कुल बॉम्बशेल विक्टोरिया सीक्रेट का ड्यूप है या बिल्कुल वैसा है. तो मैंने उसका टेस्टर लिया था फर्स्टली, जो मुझे 200 में मिला था, जबकि उसकी बड़ी पैकेजिंग जो थी ना, वो तो 1450 की थी. आई गेस वो भी जो थी ना, क्वाइट रीजनेबल थी. और यहाँ जो है ना, ब्राउनीज़ और स्कूप का मुझे ना, ये बहुत प्यारा सा स्टॉल लग रहा था. अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, मैं कियोस्क पे गई थी रियोस की. यहाँ पर जो है ना, मुझे रिवाज यूके के ग्लिटर्स चाहिए थे. कुछ मैंने ऑनलाइन देखे थे, तो आई थॉट कि वहाँ जाकर ट्राई करके लेना और बात है. तो यहाँ पे जो इनके ग्लिटर्स है ना, वो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में लगे थे, बल्कि हर चीज़ डिस्काउंट में थी. लाइक यहाँ पे ये फ्लॉर्मर की चीज़ें थी, एम्ब्रिज कॉस्मेटिक्स की चीज़ें थी, और येस आई थिंक सो ये तीन ब्रांड थे इनके पास पड़े हुए थे. और हर चीज़ पर ना डिस्काउंट लगा हुआ था 20% आई गेस. यहाँ से जो है ना, मैंने ट्राई किए थे कुछ ग्लिटर्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. और यहाँ मैंने अपना फ़ोन जो है ना, अपनी खाला को दे दिया था कि वो मेरी वीडियो बना ले, और तब तक जो है ना, मैं जितने भी ग्लिटर्स उनके पास थे उनको टेस्ट कर लूँ. उनके पास ऑलमोस्ट जो है ना, 6 ग्लिटर्स पड़े थे, जबकि मुझे इनकी बात इतनी बुरी लगती है कि जब भी ब्रांड सेल लगाते हैं ना, तो स्टॉक जो है ना इनके पास ख़त्म हो जाता है. बहुत अरसे से जो है ना, मैं इनकी कुछ चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ और ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जो ना तो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं और ना ही कहीं इन स्टोर्स में अवेलेबल होती हैं. ओके जी, सो आफ्टर दैट फ्लॉर्मर का साथ ही एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पर जो है ना, मैं उनका मेकअप चेक करने लगी. और ये उनकी एक बड़ी प्यारी सी कॉन्टोर पैलेट थी, जिसकी प्राइस 3000 थी आई गेस. बट इस तरह की सेम पैलेट जो है ना, आपको क्वाड पैलेट रिवाज पर मिल जाती है, कॉन्टोर पैलेट, जिसकी प्राइस 495 है आई गेस, तो बहुत रिजनेबल है. अच्छा, मैंने ना ये वाली ग्लिटर्स भी लिए और इनकी रिकॉर्डिंग की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी. उसके बाद जो है ना, हमने सफ़ायर पर जाना था उनकी लेटेस्ट कलेक्शन चेक करने. उनकी वेलवेट कलेक्शन बहुत कमाल की है. इस वीडियो में जो है ना, मैं अब आपको सफ़ायर का विज़िट करवाऊंगी, उनके जो है फॉर्मल वेयर लग्जरी कलेक्शन सारी दिखाऊंगी. सो अब आप वीडियो एंजॉय करें. जितने भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, इन सब की जो प्राइस रेंज है वो 10,000 से लेकर 20,000 के राउंड अबाउट है. मैं आपको कुछ ड्रेसेस की प्राइस टैग भी साथ दिखाऊंगी. ये ग्रीन वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. और इसके बाद एक ये वाला ड्रेस है. इसके बाद थोड़े से वेलवेट कलेक्शन को देखते हैं और जस्ट अब आप वीडियो को एंजॉय करें. मे बी आपको इन सब ड्रेसेस का आइडिया ना हो, तो मैं साथ जो है ना, एक छोटा सा क्लिप ऐड कर दूंगी हर ड्रेस. Oh,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह.